नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। अभी फिलहाल मैं सिमडेगा जिला के बानो प्रखंड में हूं और बानो में एक बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है। आज स्वतंत्रता दिवस बानो में काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था और हर साल की भांति ही आज एक महाकुंभ फुटबॉल का आयोजन हुआ था, जिसको लेकर आसपास के गाँव के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे और काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग जमा हुए थे। उसी वक्त मैच शुरू होने से पहले काफ़ी ज़्यादा बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद लोग इधर उधर बसते हुए दिखाई देते हैं। उसी वक्त एक वज्रपात से 12 लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। फिलहाल उन्हें अस्पताल में आप देख सकते हैं भर्ती कराया गया है। मौके पर बानो जिला परिषद बिरजो कंडोला साथ ही बानो के पदाधिकारी उपस्थित हुए और उन्हें उनकी देख रेख में यहाँ पर इलाज चल रहा है। फिलहाल 12 लोग यहाँ पर अभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, लेकिन फुटबॉल मैच देखने के दौरान ये बहुत दुखद हादसा, चूँकि अभी सभी लोग सकुशल हैं, मगर काफ़ी दुखद घटना हुआ था। आपको बता दें, हर वर्ष की भांति बानो के मैदान में इसी तरह से फुटबॉल का महाकुंभ चलता है और काफ़ी दूर दूर से लोग यहां पर देखने आते हैं, काफ़ी दूर दूर से प्लेयर भी आते हैं और इस भीड़ में इस बार काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा था, लेकिन अचानक से इस तरह से वज्रपात में 12 लोग मूर्छित हो गए, जिसके बाद से फिलहाल अभी मैच बंद है और लोग भी है डर की वजह से घर वापस जा रहे हैं। बारिश अभी भी रुकी हुई नहीं है और अभी जो है अस्पताल में सभी का उपचार जारी है, सभी को इंजेक्शन दे दिया गया है और अभी सभी लोग अभी स्वस्थ हैं। अस्पताल में भर्ती हरिहर नायक टंगरी टोली बानो पिता छंदू नायक, वहीं प्रवीण नायक बिखरा टोली के रहने वाले हैं और उत्तम सिंह तिलेसर सिंह ग्राम खटखुरा के रहने वाले हैं और अन्य लोगों की अभी फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन अभी सभी लोग स्वस्थ हैं।